हेलो दोस्तों, ज्योति इंडियन रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि छोला और भटूरा कैसे बनाते हैं। छोला बनाने के लिए हम चना को रात भर भिंगो के रख दिए थे। छोला बनाने के लिए हम काबली चना के इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम छोला बनाने के लिए मसाला निकाल लेते हैं। छोला बनाने के लिए 4 से 5 हम प्याज को काट लिए हैं दोस्तों, और 2-3 खड़ा लहसुन लिए हैं क्योंकि खाने में बहुत बढ़िया लगता है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा हींग, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच जीरा गोलकी पाउडर और थोड़ा सा खड़ा जीरा और 1 तेज़पत्ता लिए। छोला बनाने के लिए कुकर को हम गर्म कर लिए हैं दोस्तों। अब 1/2 कटोरी हम सरसों का तेल डाल देंगे। आप कोई भी खाने वाला तेल डाल सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा खड़ा जीरा डाल देंगे और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। अब हींग डाल देंगे। अब हम जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। अब हमारा तेल से बहुत बढ़िया खुशबू आने लगा है दोस्तों। अब हम कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को 1 से 2 मिनट भून लेंगे। अब हम 3 खड़ा लहसुन डाल रहे हैं दोस्तों क्योंकि खाने में बहुत बढ़िया लगता है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट भून लिए हैं। अब हम इसमें चना डाल देंगे। अब हम छोला को अच्छे से चला लेंगे दोस्तों। अब हम छोला को ढक देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे 5 मिनट तक। छोला को हम 5 मिनट भून लिए हैं दोस्तों। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे। और हम 1 बड़े टमाटर को भी काट के डाल देंगे दोस्तों। और इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और फिर से अच्छे से नीचे से चला लेंगे। और हम ढक्कन लगाकर फिर से थोड़ी देर भून लेंगे। और हम चना को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके नहीं। अब हमारा छोला अच्छे से लाल हो गया है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे और हम फिर से 1 मिनट भून लेंगे दोस्तों। अब हमारा छोला अच्छे से लाल हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। अब बचा हुआ सारे मसाले डाल देंगे दोस्तों। अब हम मसाला को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे दोस्तों और इसमें 3 से 4 सीटी लगने देंगे मीडियम फ्लेम पर। अब हमारा कुकर में 3 से 4 सीटी लग गया। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। अब हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है दोस्तों। अब हम छोला को चेक कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया छोला लग रहा है देखने, जैसे कि मुंह में पानी आ रहा है। अब कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब हमारा छोला बनकर तैयार हो गया। अब हमारा छोला बन गया है दोस्तों। अब हम भटूरा का आटा लगा लेंगे। भटूरा का आटा लगाने के लिए 1 बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें 1.5 कप हम मैदा डाल देंगे, 1/2 छोटा चम्मच हम नमक डाल देंगे और 1 चम्मच हम चीनी डाल देंगे और 1 चम्मच हम देसी घी डाल देंगे।
और एक चुटकी हम खाने वाला सोडा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो गया है दोस्तों। अब हम एक कटोरी दही ले लेंगे और दही से ही आटा लगा लेंगे। एक बार में पूरा दही नहीं डालेंगे दोस्तों, हम थोड़ा थोड़ा ही दही डालकर आटा लगाएंगे। अब हमारा भटूरा का आटा लग गया है, देखिए। अब हमारा थोड़ा सा दही भी बच गया। अब हम आटा को ढक देंगे और 15-20 मिनट के लिए उसको रेस्ट करने देंगे। 15 से 20 मिनट हो गया है दोस्तों, देखिए कितना आटा बढ़िया से फूल गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम उसको पूड़ी की तरह बेल लेंगे। आप बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। भटूरा को छानने के लिए हम तेल अच्छे से गर्म कर लिए हैं, तेल पूरा हीट होना चाहिए। और हम भटूरा डाल देंगे और हल्के हल्के छुलनी से प्रेस करते रहेंगे। देखिए हमारा भटूरा कितना बढ़िया फूला है। भटूरा हमारा बनकर तैयार हो गया है दोस्तों, और इसी तरह से सारे भटूरा को छान लेंगे। अगर आपको हमारा यह रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।